नमस्कार साथियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंजन का चलते समय बार बार स्टॉप हो जाना, इसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आइडल स्पीड में भी या एक नॉर्मल स्पीड में इंजन स्टॉप हो रहा है, उसका पहला रीज़न हो सकता है आइडल स्पीड का ठीक से एडजस्ट ना होना। जो स्पीड एक्सीलरेशन का स्पीड एडजस्टिंग स्क्रू होता है, अगर वो प्रॉपर से एडजस्ट नहीं है तो उस केस में भी चलते चलते इंजन स्टॉप हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, आइडल स्पीड स्क्रू को एडजस्ट करना है। सेकंड है आइडल फ्यूल मिक्सचर का ठीक ना होना। कार्बोरेटर में जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर जा रहा है, उसमें जो फ्यूल की मात्रा जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं जा रही है, उस केस में भी इंजन स्टॉप हो सकता है। उसके लिए क्या करना है, एडजस्टिंग स्क्रू द्वारा पेट्रोल की मात्रा बढ़ानी है। कार्बोरेटर में जो एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी है उसको स्टार्ट करके। नेक्स्ट है चोक का ठीक प्रकार से काम ना करना। अगर चोक ढंग से काम नहीं कर रही है, फॉर एग्जांपल चोक उठाने पर लीवर उसका प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उस केस में भी इंजन आइडल कंडीशन में स्टॉप हो सकता है। इसकी उपचार क्या है कि उसको एडजस्ट करना है, सही करना है। नेक्स्ट है फ्लोट वाल्व की सेटिंग का ठीक ना होना। जो टैंक के अंदर फ्लोट वाल्व लगा हुआ है उसकी अगर सेटिंग प्रॉपर नहीं है, उस केस में भी इंजन स्टॉप हो सकता है वाइल इन वर्किंग कंडीशन। उस केस में करना क्या है, उसको ठीक प्रकार से एडजस्ट करना है। नेक्स्ट है पेट्रोल में पानी या कचरे का आ जाना। अगर आपके फ्यूल टैंक में पेट्रोल के साथ पानी की बूंदें मिक्स हो चुकी हैं, उस केस में भी आपका इंजन चलते चलते बंद हो सकता है। उसके लिए उपचार क्या करना है, पानी को निकालना है और फिल्टर्स को साफ करना है, फिल्टर से साफ करना है उस पूरे पेट्रोल को। नेक्स्ट है थ्रोटल लिंक और एक्सीलरेटर पंप का ठीक काम ना करना। अगर आपकी थ्रोटल लिंक और एक्सीलरेटर पंप है जो सप्लाई दे रहा है, वो भी अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी इंजन आइडल कंडीशन में बंद हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, हमें उपचार क्या है, इन्हें ठीक प्रकार से एडजस्ट करना है। तो आई होप आज के इस टॉपिक में, जिसमें कि इंजन चलती कंडीशन में बार बार स्टॉप हो रहा है, उसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको पता चला होगा। फिर भी अगर आपकी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिए। धन्यवाद।